जय माता जी की साहब। खमा घड़ी नमस्कार दोस्तों। और आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित एक और वीडियो। इसमें हम बात करेंगे ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात के बारे में। तो जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात 933 प्रति हज़ार और शहरी लिंगानुपात 914 है। ये यहाँ जो ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं वो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात को दर्शाते हैं, यहाँ जो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं वो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात को दर्शाते हैं, यहाँ जो रेड से लिखे हुए हैं वो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात को दर्शाने वाले ज़िले हैं, और यहाँ जो ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं वो न्यूनतम लिंगानुपात जो शहरी लिंगानुपात से संबंधित हैं उनको दर्शाते हैं। तो पहला स्थान पालिका 1003, दूसरा राजसमंद का 998, तीसरा डूंगरपुर का 996। हमने जो औसतन लिंगानुपात की बात की थी एक वीडियो में, जस्ट इससे पहले का जो वीडियो था आप ज़रूर देखिएगा, उसमें उल्टा था डूरप्पा, यहाँ ठीक उसका विपरीत हो गया पराडू। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात की बात करें तो औसतन 914 है, और पहला स्थान टोंक का 985, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा प्रतापगढ़ 963 के साथ। फिर न्यूनतम लिंगानुपात में पहला स्थान धौलपुर का, दूसरा करौली का, तीसरा जैसलमेर का, जबकि शहरी न्यूनतम लिंगानुपात में पहला स्थान जैसलमेर का 3-1, दूसरा धौलपुर का 1-2, तीसरा अलवर का। तो अलग अलग कलर के पेन यूज करके कुछ आंकड़ों को आइडेंटिफाई करने का, आइसोलेट करने का प्रयास किया है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा गांव की पाल 1003, राजा डूंगर डूंगर सिंह, शहर तो बांस पर बसा है, और वर दो जैसा घर जैसा हाथ है वैसा ही वर मिले। तो यहां आंकड़ों को ब्रीफ करने का प्रयास किया है कि ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रीन और ब्लू पेन से, ये शहरी जनसंख्या सर्वाधिक और न्यूनतम रेड और ब्लैक पेन से। पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, पाल 1003, राजा डूंगर, शहर तो बांस पर, वर दो जैसा कर। देखिए पहले तीनों नाम ग्रीन पेन से, 1003, 1003 का आंकड़ा याद आएगा तो आप जरूर समझ जाएंगे कि ग्रामीण लिंगानुपात की बात हो रही है। पहले तीन स्थान ग्रीन पेन से, फिर देखिए अगले तीन स्थान रेड पेन से, 1003, 998, 996, 985, 964, 963। उसके बाद में अलवर ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन का मतलब शहरी जनसंख्या न्यूनतम, इसमें 872। U3 का मतलब अर्बन, अर्बन जनसंख्या में तीसरा स्थान न्यूनतम में। फिर धौलपुर को दो कलर के पेन से लिखा है मैंने, ब्लैक, ब्लैक का मतलब शहरी न्यूनतम जनसंख्या 864, अर्बन में सेकंड स्थान, और पुर को लिखा मैंने ब्लू पेन से यानी कि ग्रामीण न्यूनतम जनसंख्या 841 आर फर्स्ट। फिर यहाँ जैसलमेर में विपरीत हो गया, जैसलमेर लिखा है ब्लू पेन से और मेर लिखा है ब्लैक पेन से, तो जैसल ग्रामीण न्यूनतम जनसंख्या 859 R3 रूरल तीसरे स्थान पर, और मेर 807 अर 807 सॉरी 807 अर्बन फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे। करौली ब्लू पेन से लिखा है, ब्लू का मतलब ग्रामीण न्यूनतम जनसंख्या 856 रूरल में सेकंड स्थान। देखिए पहले तीन ग्रामीण सर्वाधिक, अगले तीन शहरी सर्वाधिक, अलवर अर्बन में तीसरे स्थान पर, धौलपुर अर्बन में दूसरे स्थान पर भी है और रूरल में पहले स्थान पर भी है, जैसलमेर रूरल में तीसरे स्थान पर भी है और अर्बन में पहले स्थान पर है, और करौली 856 आर सेकंड रूरल में सेकंड पोजीशन। अलवर ब्लैक पेन से है, करौली नीले पेन से है, धौलपुर में
यहाँ ब्लैक, तो देखिए यहाँ आधा ब्लैक और फिर ब्लू है, और ये ब्लैक से शुरू हो रहा है तो ये ब्लू से शुरू हो रहा है, विपरीत हो गया, ठीक जस्ट अपोजिट। पुर का कलर पहले आ गया, धौलपुर का बाद में चला गया, यानी कि जैसलमेर नीले से और मेर ब्लैक से, यहाँ ये ब्लैक से तो यहाँ ब्लू से हो गया। तो देखिए यहाँ अर्बन में तीसरा स्थान, ये अर्बन में दूसरा स्थान और ये अर्बन में पहला स्थान। इसी प्रकार रूरल में धौलपुर पहले स्थान पर, करौली दूसरे स्थान पर, जैसलमेर तीसरे स्थान पर। देखिएगा U3 और यहाँ U2 R1, अब यहाँ R3 U2, यहाँ R1 है, यहाँ U2 है, U1 सॉरी, रूरल फर्स्ट, यहाँ अर्बन फर्स्ट और लास्ट में रूरल सेकंड। तो इन को आप देखेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, रीड आउट करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। और मानचित्र का भी हमने सहयोग लिया है, एक बार फिर मैं आपको मानचित्र दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मानचित्र को हमने स्टडी किया था थोड़ी देर पहले। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और फुल सपोर्ट करें अपने इस दोस्त को। और मैं समझता हूँ कि सपोर्ट करने में हमारा कुछ ज़्यादा नहीं है, सहयोग करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।